हेलो बच्चों बच्चों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक को पढ़ेंगे जो ज़्यादातर अगले चैप्टर में बहुत यूज़ होता है। 11th का एक टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जनरली बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं या समझ में ही नहीं आता बहुत लोगों को। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी में कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या गलती नहीं करनी है और क्या इफेक्टिव वे हो सकता है क्वेश्चन क्रैक करने का। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटी। भाई अर्थ की प्रॉपर्टी है कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। हमने पत्थर ऊपर फेंका तो भी नीचे आएगा, कभी ना कभी से खींच के ले आएगी अर्थ नीचे। किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो भी नीचे गिरता है। तो ये स्पेशल फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है हर ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं इसको। जनरली हिंदी में मतलब सिंपली वेट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलेरेशन पैदा होता है जिसे बोलते हैं जी, स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस पर ये मोशन पढ़ेंगे हम आज। तो पहले मैं आपको साइन रूल बता दूं। तो साइन है जैसे ये आप रेफरेंस पॉइंट है, किसी पत्थर को फेंक रहे हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को, तो रेफरेंस पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, समझ रहे हो। रेफरेंस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, कोई भी पैरामीटर ऊपर की तरफ है तो उसका साइन लेंगे हम पॉजिटिव, और जो भी पैरामीटर डाउनवर्ड है उसका साइन लेंगे नेगेटिव। हो सकता है आपके टीचर ने आपको इससे उल्टा बताया हो, वो भी ठीक है। मतलब एक रेफरेंस है कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड नेगेटिव, अगर अपवर्ड नेगेटिव लिया है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव। ये बात हमें समझ में आई। तो ये रेफरेंस हुआ। क्वांटिटी क्या होंगी, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब होंगे जिनके साइन हमें लिखने हैं। एक बार मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ। वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है ना। सेकेंड इक्वेशन होती है सिंपली एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ये तीन इक्वेशन है, इनका मैं इस्तेमाल करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, अपवर्ड मोशन में, डाउनवर्ड में, ओब्लिक में। पहले मैं कंडीशन बता देता हूं यहां। एक तो मैंने साइन बताया, कंडीशन ये बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट जो होगा सबसे पहले, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं चौक को फ्री छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगी। अगर मेरे हाथ में एक रॉकेट है उसमें आग लगी और मैं उसे फ्री छोड़ दूं तो नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ऊपर जा सकता है नीचे। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल हम, जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जो पैसिव होते हैं, जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। आपने थ्रो किया, जब तक उसमें मोमेंटम है अपवर्ड तब तक अपवर्ड जाएगा, अदरवाइज फिर अर्थ उसको नीचे खींच लाएगी। तो हम जो अभी कंडीशन पढ़ रहे हैं ओनली फॉर पैसिव ऑब्जेक्ट। इसके और एग्जाम्पल बताइए, मेरे हाथ में जो चौक है ये पैसिव है या एक्टिव है। यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट और एक्टिव का मतलब, जैसे हाइड्रोजन बलून है, अगर आप उसे फ्री छोड़ दो ऊपर चला जाता है बॉयंसी की वजह से, तो उसके लिए इक्वेशन नहीं लगेंगी जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ अभी। जैसे बर्ड, चिड़िया, हमने सोचा कि उसे ऐसे पकड़ा, उसे ऐसे फेंक दे कि कैच कर लेंगे, वो थोड़े आएगी, वो वहाँ बैठ गए जाके। इसका मतलब बर्ड, एरोप्लेन, रॉकेट, जब तक इनमें इंजन चल रहा है या एनर्जी सोर्स है इनके अंदर, हाइड्रोजन बलून, इन पर ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कैसी चीज़ों पर होंगी, जैसे चौक, स्टोन, पत्थर, डस्टर, मार्कर, ग्लास, ये सब पे क्या हो सकता है, ये इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है। क्लियर हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लिफ्ट है ऊपर जा रही है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, नहीं, लिफ्ट जा रही है, किसी फोर्स से खींचा जा रहा है उसको, इसलिए ऊपर जा रही है। अगर मैं इस चौक को, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं इस चौक को ऊपर फेंक दूँ, जब ये हवा में होगी, छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेते हैं हम इसमें ऐसे, जब मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूँ तो इस पर कितने फोर्स हैं? आपके दिमाग बहुत सारे फोर्स आ रहे होंगे। एक तो आ रहा होगा कि सर वेट है इसका नीचे की तरफ, एक है जिससे ऊपर जा रही है ये, तो जिससे ऊपर जा रही है ना वो कोई फोर्स नहीं है, वो एक मोमेंटम है जिसकी वजह से ऊपर जा रही है। भाई हम तो एक ही फोर्स लग रहा है ना इस पर, एम जी। आप कहोगे सर आपका फोर्स, तो अगर मैं ऐसे फेंक के इसको अपने हाथ को हिलाऊं तो वो चौक हिल तो नहीं रही ना, तो जब तक मेरे हाथ के कॉन्टैक्ट में थी तब तक तो फोर्स था, जैसे फ्री होगी तब इस पर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर एक ही फोर्स है एम जी, और उसी की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलेरेट हो रही थी, जिसका नाम था जी। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि पहले तो पैसिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो, जैसे बॉयंस वगैरह। दूसरा पॉइंट, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हम मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए अलग केस पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा, नेगलेक्ट वेरिएशन इन जी। ये कैसे हो सकता है, क्या जी वेरी करता है? स्मॉल जी होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के आसपास अट्रैक्शन ज्यादा है अर्थ का, बहुत दूर चले गए तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। मैंने पत्थर को ऐसे फेंक दिया कि 50,000 किलोमीटर ऊपर चला गया, पहले तो जाना नहीं है, अगर गलती से चला गया
तो 50,000 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इसका मतलब जी कम होता जाएगा, तब ये इक्वेशन गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए होती है। तो तीन कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी है, पैसिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे हम, और वेरिएशन इन जी भी नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं, इसमें कितने केस बनते हैं बहुत ध्यान से समझना है। अगर आज आपको ये बात समझ में आ गई तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके लिए खेल है। जैसे पहला है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। देखो बच्चों, अपवर्ड मोशन है कि जैसे आप यहां ग्राउंड पे हैं, रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस पॉइंट बोला हमने इसको, इनिशियल पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो, ग्राउंड नहीं सोचेंगे कि ग्राउंड को रेफरेंस बोला है, इनिशियल पॉइंट को हमने क्या माना है, रेफरेंस पॉइंट। हमने यहां से एक पत्थर फेंक दिया ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी टाइम इसकी वेलोसिटी हो गई वी। क्लियर है? देखो इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी हुई, एच। एक बात बताइए, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन में जो क्वांटिटी है वी यू ए टी जी, ओ ए जी तो नहीं कहेंगे, और टाइम को हटा दो तो चार क्वांटिटी है ना, एक्स भी है, वो सारी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो सारी की सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक्स वहाँ डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी वी जो है वेलोसिटी है ना कि स्पीड, यू इनिशियल वेलोसिटी है और जी एक्सेलेरेशन है जो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो सारी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक्स आपको डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यहाँ रेफरेंस लेवल से जो ऊपर की तरफ क्वांटिटी, उनके साइन क्या होंगे बताओ बच्चों? पॉजिटिव ना, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जैसे हमारा रूल था, और ये नेगेटिव। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी बताओ क्या बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस at है, तो v तो पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी टी। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, अब बताइए, जगह कम है बोर्ड पे, तो मैं इसको मिटा के फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ, क्या बनेगी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, h पॉजिटिव, u की जगह यू टी इज एज इट इज, a की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस जी है ना, अब ये आगे आ जाएगा, तो मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तीसरी इक्वेशन, v square equal to u square plus 2ax होता है, तो v square equal to u square plus 2, a की जगह minus g, x की जगह h, कितना हो जाएगा ये, माइनस यहाँ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी v square equal to u square plus minus 2gh। क्लियर है? ये इक्वेशन बनी, ध्यान से समझिए। अब देखो तीन इक्वेशन बनी अपवर्ड मोशन की, ये था अपवर्ड मोशन। दूसरा मोशन होता है डाउनवर्ड, आप किसी हाइट पर खड़े, आपने पत्थर ऊपर फेंका, सॉरी नीचे फेंका, तब इन इक्वेशन का इस्तेमाल सिखाऊंगा अभी। अगर आज आपको ये समझ में आ गया तो ये वीडियो सफल हो गई बनानी, क्योंकि ये समझ में आ जाता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक अगला चैप्टर है, वो सब सारी बातें क्लियर हो जाती है। ज़्यादातर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, हमें लगता है कि इक्वेशन लिख ली काम चल गया, फंस जाते हैं फिर। तो डाउनवर्ड मोशन, देखो बच्चों डाउनवर्ड मोशन है, जैसे आप ये हाइट है, छत है, ये पत्थर को हमने, ये हमारा कोई दोस्त खड़ा है नीचे, हमें मौका मिला तो हमने एक पत्थर फेंका बदला लेने के लिए, तो ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। ये रेफरेंस पॉइंट है ऐसे, और ये वेलोसिटी है, ठीक है, जी डाउनवर्ड है, यू भी डाउनवर्ड है, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो, अच्छा साइन इसको, ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से चला, जी भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, एच भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, वी भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि यार एच नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देखो ऊपर है यहाँ से, ये नहीं देखना, रेफरेंस लेवल से देखना है कि कौन नीचे की तरफ है, तो ये डाउनवर्ड है ना तो माइनस एच, ये डाउनवर्ड है तो माइनस जी, ये डाउनवर्ड है तो माइनस वी। अब देखो मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस वी माइनस यू माइनस जी टी, अरे यार ये तो सब में माइनस आ गया, तो माइनस कट गया ना, तो u प्लस जी टी, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर है बच्चों?
तो देखो अब फाइनल ये क्वेश्चन लगानी है, अब कभी भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये नहीं सोचना सर वो माइनस होता ही है, अब ये फाइनल बनी ना इसका इस्तेमाल करना है किसी भी न्यूमेरिकल में। दूसरी क्वेश्चन, माइनस एच यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, क्या इक्वेशन लिखेंगे? ओ फिर भी माइनस, समझ रहे बच्चों, एक्स की जगह माइनस एच रखा, यू की जगह माइनस यू। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, जैसे एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है इक्वेशन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस एच माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इक्वेशन बन जाएगी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आज से ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है? तीसरी बात, तीसरी क्वेश्चन, माइनस वी का होल स्क्वायर, मतलब इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ से बनेगा माइनस वी का होल स्क्वायर माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस टू जी माइनस एच, है ना? तो देखना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्लियर है बच्चों? इस तरीके से तीन इक्वेशन बन गई। आज से आप साइन नहीं सोचेंगे डाउनवर्ड मोशन का, डायरेक्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये एच, बताइए डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होगा, वेरी गुड। और ये वेलोसिटी ना कि स्पीड, ये साइन के साथ आएगा जब भी आएगा। तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड मोशन था। अब तीसरा केस, ऑब्लिक मोशन। बस ये तीन केसेस में अगर इन पर ध्यान दे लें तो कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जहां जैसे जनरली ब्लंडर मिस्टेक करते हैं बच्चे। ऑब्लिक मोशन है ना, ऑब्लिक का मतलब डायरेक्शन बदलना। तो जैसे यहां करते हैं डायग्राम, एक पत्थर फेंका मैंने ऐसे ऊपर की तरफ किसी हाइट से, मतलब हम किसी बिल्डिंग पे हैं और यहां से पत्थर फेंका, पहले ये ऊपर गया फिर ये नीचे गया, तो कुछ सीधा जा रहा है, इसी लाइन पे चलेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे घूम के जाएगा, फिर ये टू डायमेंशन हो जाएगा, हम 1D पढ़ रहे हैं अभी। तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, जी डाउनवर्ड है, ठीक है? यू का साइन, अब सोचो ये रेफरेंस लेवल हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स वाले और कुछ टीचर जैसे NCERT इसको अलग केस नहीं मानते। NCERT क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अपवर्ड मोशन फिर डाउनवर्ड मोशन, दो को कंबाइंड करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन मेरा मानना है कि पेपर में थोड़ा टाइम कम होता है, नीट वगैरह क्रैक करना है, तो इसको भी एक केस मान लिया हमने और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। रेफरेंस लेवल है, पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। अपवर्ड मोशन है तो साइन इसका नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब यहाँ ग्राउंड पे टकरा रहा उस टाइम वी नेगेटिव है और जी भी नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट बताओ हमें, जो एच होता है इक्वेशन में, एक्स जिसको बोलते हो आप, वो यहाँ डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डाउनवर्ड। भाई यहाँ था कोई ऑब्जेक्ट और नीचे चला गया तो माइनस साइन, ठीक है? आपको लगा सर ये ऊपर भी तो गया था, ऐसे गया, हाँ गया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है ना, और वो भी डाउनवर्ड हुआ इसलिए माइनस आ गया। पहली क्वेश्चन क्या लिखी जाएगी, माइनस वी इक्वल टू माइनस यू, सॉरी प्लस यू माइनस जी टी, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन, माइनस एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैसे हुआ? दोबारा लिख के दिखाता हूँ, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्वेश्चन है, साइन रख देते हैं, माइनस वी यू पॉजिटिव रहेगा माइनस जी टी। आज से ये क्वेश्चन आप इस्तेमाल करोगे ऑब्लिक मोशन में, ठीक है? दूसरी क्वेश्चन, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस एच और यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये? एच इक्वल टू माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, क्लियर है बच्चों? थर्ड इक्वेशन, माइनस वी का स्क्वायर यू का स्क्वायर टू माइनस जी माइनस एच, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्लियर है? तो ये मैंने आपको साइन लेने सिखाया, और आज के बाद ये जो फाइनल इक्वेशन बॉक्स में लिखी गई है इनका इस्तेमाल करोगे, साइन अब कभी नहीं सोचोगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे अब मैं छोटे दो तीन क्वेश्चन कर पाऊंगा, बस सिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन से कि गलतियाँ ना करें आप। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करती है कौन सी सिस्टम से ड्रॉप किया। जैसे अगर मैंने हाथ से ऐसे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी, लेकिन अगर हम चलती बस से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, जैसे चलती बस से उतर जाएं हम, तो उसके साथ भागना पड़ता है, क्या वजह होती है? दोस्त रह जाता है उसके अंदर, या कुछ और वजह है?
वजह है इनर्शिया, उसके साथ भागना पड़ता है, इनर्शिया हमारी वही होती है। तो बिल्कुल जो बस की इनिशियल वेलोसिटी वही हमारी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं ड्रॉप किया किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे रॉकेट में बैठा है, रॉकेट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही लेनी है जो रॉकेट की है। रॉकेट ऊपर जा रहा है और उसमें जाते जाते ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, तो रॉकेट ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप किया उसे जीरो मत मान लेना, वो ऊपर ही जाएगा पहले। इमेजिन करना, इस बात में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और वहाँ बैठे रॉकेट के अंदर बैठे एक आदमी ने सिक्का ड्रॉप कर दिया, तो सिक्का पहले ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी इनर्शिया उतनी ही है, वो ऊपर जाएगा। रॉकेट में तो इंजन लगा हुआ है, वो जा रहा है, सिक्के में तो इंजन नहीं है, तो ग्रेविटी उसको रोकते 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 जमीन पे ले आएगी। समझाए बात? तो ध्यान रखना है, तो ड्रॉप किया है अगर रेस्ट से ड्रॉप किया है, किसी स्टेशनरी फ्रेम से ड्रॉप किया है, तो इनिशियल स्पीड जीरो लेना। अच्छा, जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड पे भेज दिया, तो ग्राउंड पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की? आपका आंसर जीरो आ रहा होगा जनरली, तो नहीं होना, जीरो वेलोसिटी नहीं होती। हम जो वेलोसिटी लिखते हैं ना जिससे ग्राउंड को अप्रोच करता है, ये वेलोसिटी है जिससे वो ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, वो जीरो नहीं हो सकती। भाई आप छत पे खड़े हो, आपने एक बड़ा सा पत्थर लिया, आपका दोस्त नीचे खड़ा है और आपने पत्थर को ड्रॉप कर दिया, तो उसके सिर पे जाकर रुक जाएगा पत्थर, लगेगा ना उसको चोट। तो इसका मतलब है कि वो एक वेलोसिटी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है ग्राउंड को, तो टक्कर खाने के बाद पत्थर रुकेगा, बाउंस बैक होगा, क्या होगा ये अलग बात है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, हम जो फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं वो होती है जिससे ग्राउंड को अप्रोच करता है कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल से एग्जांपल। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको कोई न्यूमेरिकल पावर देना नहीं है, मेरा मकसद है कन्फ्यूजन दूर करना कि छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंक दिया, वेलोसिटी यू है, ठीक है, और एच हाइट है, नहीं इनिशियल स्पीड दे रखी है, गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले मैं पता करने जा रहा हूँ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो याद करो हमने अपवर्ड मोशन की इक्वेशन कौन सी लिखी थी। सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर कैसे पता लगता है कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी। तो एक तो सबसे पहले ये पता लग रहा है पत्थर ऊपर फेंक दिया यार, तो अपवर्ड मोशन का केस हुआ, तीन केस मैंने पढ़ा है, तो जाओ अपवर्ड मोशन के इक्वेशन देखो। समझाया? तो पहले तो तीन में से एक केस पता लग गया। अब क्वेश्चन है कि ऊपर फेंक दिया, पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। अब कौन सी इक्वेशन है ऐसी जिसमें हाइट भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल वेलोसिटी भी हो? तो तीसरी इक्वेशन है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, 15 होती है, 20 होती है, तीन ही होती है ना, तो तीन में से कौन सी है ये, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूँ अगर मुझे हाइट बताना है अपवर्ड मोशन की? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टाइम नहीं बताना, सॉरी टाइम नहीं, मैक्सिमम हाइट बतानी थी। तो ये ऐसा सोचा जाता है, जो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है पत्थर की? जीरो, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो एच कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाय टू जी, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। क्लियर है बच्चों? अब देखो, अब मैक्सिमम हाइट आ गई, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा टाइम कितना होगा इसका ऊपर जाके वापस आने में, टोटल टाइम। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था, देखो मैक्सिमम टाइम यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना जो टाइम होता है ना आने जाने का, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं। एक बात बताओ, यहाँ टाइम की दो इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि टाइम की दो वैल्यू है जिसपे एच एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट ही है, मैं ये हाथ है और मैं चौक फेंकने जा रहा हूँ, मैंने इसको फेंका, तो ये चौक इस हाइट पे पहली बार जाते वक्त गुजरी यहाँ से और फिर आते वक्त, तो ये एक ही हाइट पे दो बार थी, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? और ये एच डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है आने जाने का, तो एच बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर एच घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, कितना हो जाएगा जब यहाँ पहुँचेगा डिस्प्लेसमेंट? जीरो। मैं सीधे यही सॉल्व कर देता हूँ, जीरो, ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान से, टी कॉमन लिया, यू माइनस जी टी बाय टू, तो एक तो टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक यहाँ से यू माइनस जी टी बाय टू इक्वल टू जीरो, तो टी कितना आ जाएगा? टू यू बाय जी। क्लियर है? तो यहां से दो टाइम आ गए, एक तो इनिशियल टाइम और ये। दो टाइम क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जब पहली बार पत्थर फेंका था, जब इनिशियली फेंका था पत्थर, तो टी इक्वल टू जीरो पे यही था नहीं, तो ये तो टी इक्वल टू जीरो है। और ये क्या बता रहा है कि पत्थर यहां से चला और फिर इसी लेवल पे वापस आ गया। क्लियर? तो ये कौन सा टाइम है? ये टू यू बाई जी, ये टोटल जाने का, आने जाने का टाइम है। अब क्वेश्चन है फिर सर केवल ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? जीरो, ये तो कंफर्म है ना, स्पीड बहुत ज्यादा होगी।
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी घटते 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 कितनी हो जाती है, जस्ट जीरो। तो इक्वेशन लगाते हैं हम, कौन सी इक्वेशन लगाएं कि यार इनिशियल वेलोसिटी भी हो, फाइनल भी हो और टाइम बताना हो। तो सेवंथ इक्वेशन लगाएं, सातवीं, सेवंथ इक्वेशन है नहीं है, कौन सी है, फर्स्ट है, तीन ही तो है, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी जीरो रखा। अब सोचते हैं कि एक पत्थर को हमने ऊपर फेंक दिया आसमान में, तो जितनी स्पीड से फेंकते हैं क्या उतनी स्पीड से वापस आता है, चेक करते हैं। तो वैसे आंसर क्या होगा आपका, ज्यादा से या कम से? हो सकता है कुछ का आंसर ज्यादा हो, कुछ का लगे कम है, कुछ का आंसर सेम हो। तो सेम वेलोसिटी से वापस आता है पत्थर, कैसे, जैसे देखो बच्चों, चेक करते हैं, मैंने वेलोसिटी लिखी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और पूरी जर्नी का टाइम अगर मैं रख दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी ना फाइनल, तो u माइनस जी, t की जगह रख दिया 2u बाय g, g से g कट जाएगा, u माइनस 2u कितना आ जाएगा, माइनस u, यानी u तो वही मैग्नीट्यूड तो वही है, माइनस क्या बता रहा है कि डाउनवर्ड, यानी कि जितनी वेलोसिटी से फेंका था उसके अपोजिट में उतनी वेलोसिटी से आ रहा है। तो जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से आता है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी अपोजिट हुई। प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। तो बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे इस्तेमाल करो, साइन सही लो और इंप्लीमेंट करके देखो नए नए क्वेश्चन पे। ध्यान रखना इस इक्वेशन का कहाँ इस्तेमाल नहीं करोगे, रॉकेट पे, हाइड्रोजन बलून पे, और एयर रेजिस्टेंस आ जाए तो इन इक्वेशन का इस्तेमाल मत करना, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है या कुछ और भी हो सकता है, और एरोप्लेन इन सब पे, बर्ड पे, इन सब पे इन इक्वेशन का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है लेकिन ये इक्वेशन मोशन नहीं लगेंगे। अब ज़्यादा भी पढ़ा सकता था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना बताया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है स्पेशली इसका, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिखो, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कोई आपका ऐसे पर्टिकुलर कंसेप्ट में फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाती है, अच्छी लगती है, तो इनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, गुड लक, लगे रहो, बहुत बढ़िया से मेहनत करो।